कैसा है? कैसा है? My friends, hey, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. Remember, you were made. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. I try to justify my actions, less reactions, heartbeat raising. Oh, it doesn't work. Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग, जो कल का व्लॉग था, उसको ही कंटिन्यू करूंगी। कल जो है आप लोगों ने देखा मैंने ग्रेनोला बना लिया था, लेकिन मैंने उसको सर्व करके मीन्स दिखाया नहीं किस तरह मैंने उसको रखा था। तो क्योंकि उसको बेक करने के बाद बहुत स्लो बेक किया था मैंने उसको, अराउंड 100 और 110 की जो है वो हीट पे उसको बेक किया था, अराउंड 30 to 35 मिनट्स। और वो जब ऊपर से बहुत प्यारा सा गोल्डन सा क्रस्ट आ गया था, तब मैंने उसको जो है वो निकाल लिया था ओवन से। और निकाल लेने के बाद व्हाट आई डिड कि मैंने उसको जो है ना ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ठंडा होने के लिए आपने उसको दो घंटे तो रखना ही होता है। तो उसके बीच में फिर मैं चली गई थी बाजार, और बाजार जाने के बाद जब मैं वापस आई तो फिर मैंने उसको सारा बाहर निकाला। आप चाहें तो उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको जो है ना बड़े बड़े चंक्स में कर सकते हैं। चंक्स का ये हो जाता है कि आप उनको जैसे टिफिन में बच्चों को डाल के दे दें, या जैसे होता है ना हैंडी फूड होता है, आपने किसी के हाथ में पकड़ा दिया, बच्चे ने खा लिया, या बच्चे ने ऐसे जाते हुए उठा लिया, जैसे मेरे हस्बैंड है ऑफिस जाते हुए एक पीस उठा के ले गए। तो और या अगर आपने उसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू जस्ट आपने उसको दूध में डाला, ऊपर से कोई फ्रेश फ्रूट्स डाल दिए और आपने उसको खा लिया, जैसे आप नॉर्मल सीरियल खाते हैं। तो ये बहुत हेल्दी होता है। सीरियसली अगर आप ग्रेनोला वैसे ही बाजार से खरीदेंगे, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। इसमें इतना बहुत बन गया है कि आराम से आप जो है ना इसको, अगर एक बंदे ने खाना है तो एक महीना तो बड़े आराम से खा लेगा, अगर 2-3 लोगों ने खाना है तो 1 हफ्ता 10 दिन तो बड़े आराम से चल जाएगा। एंड रीजनेबल भी पड़ता है। दूसरा ये कि आपको पता होता है कि आपने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए, सारी चीजें आपके सामने होती हैं, सब कुछ बहुत क्लियर होता है आपको। तो रेसिपी थैंक यू आप लोगों ने बहुत लाइक की। सॉरी मैं कल जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी उसके प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स, तो वो मैंने अभी जो है ना आज के, खैर आज जो मेरा व्लॉग है इसके नीचे जो है मैं आज जो मैं आप लोगों के साथ एक दूसरी रेसिपी शेयर करी वो भी, और ग्रेनोला की दोनों की रेसिपीज में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। कल वाली भी मैंने डाल दी है अगर आप लोगों ने नहीं देखी। अच्छा जी, आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए और अपने बच्चों के लिए, दैट इज अ वेरी बेस्ट फूल प्रूफ रेसिपी ऑफ चॉकलेट मार्बल केक। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी खाड़ी में गई थी। सीरियसली खाड़ी में बहुत जबरदस्त किस्म का स्टफ आया हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे किसी के लिए शॉपिंग करनी है, किसके लिए करनी है, सरप्राइज इन चला आई विल बी शोइंग यू, क्योंकि मैंने शॉपिंग कर ली है। तो वो मैंने खाड़ी का मैंने सारा दिखाया है, कपड़े शपड़े हर चीज, लाइक खाड़ी होम भी है उसमें, क्योंकि होम के लिए मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि होम जो है वो उनकी वेबसाइट पे नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बहुत से क्वेरीज आती हैं अबाउट माय स्किन केयर, क्योंकि जब ईद पे मैंने आप लोगों से व्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने कोई कुछ भी फेस पे नहीं, अभी भी स्टिल आई एम हैविंग नथिंग ऑन माई फेस, जस्ट मैंने जो है ये है ना एक लाइट सी जो है मेरे पास क्रेयॉन है क्लिनिक का, वो मैंने हल्का सा लगाया हुआ, दैट्स इट। या फिर मैं जो है ना लिप ग्लॉस कल लगाया था मैंने उस मेबलिन का, तो वो बेबी लिप्स, ठीक है, वो मैं लगाती हूँ अपने लिप्स पे। तो वो घर में तो ऑफ कोर्स मैं डे केयर जब कर लेती हूँ उसके बाद मैं ये हल्का सा लगा लेती हूँ, कुछ और मैं नहीं लगाती। तो मेरे ना स्किन केयर के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो मुझे था कि मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे रेसिपी की तरफ। तो मैं जो है ना स्किन केयर जो है वो स्टेप्स में करती हूँ, और वो इंशाल्लाह ताला किसी दिन मैं आप लोगों से सारे स्टेप्स शेयर कर दूंगी कि व्हाट आई डू, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। बट उसमें जो मेन एक स्टेप है दैट इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ना लोग नहीं करते, फेस पे सन ब्लॉक या सनस्क्रीन नहीं लगाते, विच इज अ वेरी विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। देखिए, अगर अभी भी मैं इस कमरे में बैठी हूँ, मुझे हल्की सी धूप लग रही है, सामने खिड़की से ये जो ट्यूबलाइट्स हैं इनकी लाइट लग रही है, किचन में कुकिंग करते हुए हीट लग रही है, तो सनस्क्रीन जो है ना, आपको हीट प्रोटेक्टर भी है, आपको लाइट प्रोटेक्टर भी है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देता है। तो मैं एक तस्वीर देख रही थी, इफ आई कुड फाइंड इट, मैं इधर लगा दूंगी, कि एक ड्राइवर की पिक्चर थी एंड वो बंदा जो है वो पिछले 28 ईयर से ड्राइव कर रहा था और उसकी जो हाफ फेस है वो फुली, उसमें झुर्रियां थी, बहुत सारी रिंकल्स थी, बहुत खराब स्किन थी, और दूसरी साइड बिल्कुल ठीक थी और लाइक कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड जो थी वो डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ती थी, बिकॉज ही वाज अ ट्रक ड्राइवर आई गेस। तो आप देख सकते हैं कि कितना डैमेज करती है सन लाइट आपकी स्किन को। ज़रूरी भी है विटामिन डी के लिए, बट आपको डैमेज भी बहुत करती है। सो आपको मैं एक बात बता दूं, आपने सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करें। मुझे आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ अपनी सनस्क्रीन्स। अच्छा, ये वाली सनस्क्रीन जो है मैं दो यूज़ करती हूँ। ये मेरे बैग में होती है, ये मैं हमेशा लेती हूँ जब भी बॉडी शॉप की सेल होती है। आई बाय दिस एंड दिस इज विटामिन सी सनस्क्रीन। अभी भी डे रूटीन में जो है ना, मैं इस विटामिन सी का जरूर लगाती हूँ क्योंकि वो आपको सन प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है विटामिन सी का जो है वो फेस सनस्क्रीन है, या यू कैन से के सनब्लॉक है। इट इज़ फ्रॉम द बॉडी शॉप बट इट्स एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मोस्टली लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो दूसरा जो नॉर्मली मैं डेली यूज़ कर लेती हूँ, ये मेरे बैग में पड़ा होता है बिकॉज इट्स हैंडी। अगर मैं कभी भूल जाती हूँ बाहर निकलते हुए तो मैं फ़ौरन लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, मेरे हाथों और मुँह पे जो है ना छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो वो मैं ये लगाती हूँ। ठीक है, ये वाला ये मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा जो नॉर्मल डेली बेस पे जब मैं अपना फेस मीन्स मॉर्निंग रूटीन कर रही थी, तब उसके लिए जो मैं लगाती हूँ वो ये वाला। ठीक है, दिस इज फ्रॉम डिलीश और सन ब्लॉक है, 60% SPF है एंड ये इसकी पिक्चर है, मीन्स ये इस तरह का इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एंड दिस इज़ वेरी गुड, सीरियसली अभी मैंने लगाया हुआ है, मेरी स्किन पे आपको फील हो रहा होगा। टोनर तो बहुत मस्ट है, उसके बाद सनस्क्रीन भी उतना ही मस्ट है। तो ये वाला सनस्क्रीन ज़रूर, ये वाला क्या कोई भी सनस्क्रीन ले लें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये अच्छी ब्रांड का है, अच्छा है, ये वर्क करता है। तो ये वाला क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। माई डॉटर इज़ ऑल्सो यूजिंग, गिव योर टीनेजर किड्स, क्योंकि वो जब स्कूल जाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, तो उनको नीड होती है। ठीक है ना, तो ये ज़रूर उनको दें ताकि वो अपने फेस पे लगाएं और उनका जो ये जो स्किन पे जो डलनेस आ जाती है ना यंग गर्ल्स के, वो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सनस्क्रीन यू आर सपोज टू यूज़, ये बोथ मेरे पास है, तो मुझे तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर लेती हूँ। और अभी जाते हैं किचन एंड आई एम गोइंग टू शेयर वेरी गुड रेसिपी विद यू ऑल। इट्स अ मार्बल केक है और मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है, बिलीव मी व्हेन आई बेक दैट केक, क्योंकि ये मैंने कल बनाया था। तो वो केक जो है वो 20 मिनट्स के अंदर खत्म हो गया था, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो जिम से आ गया था एंड उसने वो लाइक आई एम सो हंग्री और उसने पीस करके खा लिया। तब उससे मैंने एक पीस लिया अपने हस्बैंड के साथ चाय पीते हुए एंड दैट्स इट। लेकिन ये केक बहुत मजे का है, आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। स्कूल्स अभी तक खुले हुए हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं है, आप उनको लंच बॉक्स में बना के देते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चले जाते हैं पहले किचन एंड देन आई विल शो यू खादी शॉपिंग हॉल, नॉट शॉपिंग हॉल, खादी शॉपिंग। हाँ जी, तो मार्बल केक के लिए जो है वो मैं केक जो स्टैंड मिक्सर है वो मैं ले रही हूँ, और इसके अंदर मैंने 3 अंडे डाल दिए हैं और चीनी डाल दी है। ठीक है, चीनी मैंने डाली है तकरीबन 115 ग्राम के बराबर और 3 अंडे हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो बीट करूँगी। अगर आपके पास ये स्टैंड मिक्सर नहीं है तो आप नॉर्मल विस्क से, जिससे हम घर में अंडा वगैरह या फिर दही वगैरह फेंटते हैं, उससे फेंट लेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह फेंट लेने के बाद इसको इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल सफ़ेद झाग की तरह हो जाएगा। अब मैंने इसमें 150 ग्राम के बराबर जो है वो बटर डाल दिया। ये बटर मेरा होममेड बटर है और ये मलाइयों से निकला हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बाज़ार से ले लें। सीरियसली बाज़ार में लास्ट कुछ मंथ पहले तक मैंने 900, 1000, 1100 का बटर का केजी लेती थी, अभी वो 1700 और 1800 का हो गया। तो मैंने अपने घर में ही निकाली है, बिलीव मी ये बटर बहुत अच्छा है। तो खैर मैंने बटर डाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। बीट कर लेने के बाद इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, ये जो है वो ½ टेबल स्पून का चम्मच है, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर जो है वनीला एसेंस शामिल कर दिया। ठीक है, चीनी, अंडे और बटर को अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लिया, तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली अलॉन्ग विथ जो है वो वनीला एसेंस। और अब जो है आप देख सकते हैं मैंने इसको जब मिक्स कर लिया, तो अब मैं अपनी जिस डिश के अंदर हम इसको फेंट रहे हैं, इसको मैं निकाल के बाहर रख दूंगी। क्यों बाहर रखूंगी? क्योंकि मैंने अब इसके अंदर डालना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है मैदा, और मैदा मैंने लिया है तकरीबन 150 ग्राम के बराबर, और उसमें 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डाल लेने के बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो छान लूँगी। छानने से ये होता है केक में, अगर आप, क्योंकि ये केक बन रहा है, मफिन अगर हम बनाते तो हम इसको नॉर्मल मिक्स कर लेते, लेकिन केक में होता है कि आपको एयर चाहिए होती है मैदे के बीच में। तो इसको जब आप छान लेंगे तो इसकी एक तो ये जो बीच में गुठलियाँ रह जाती हैं मैदे की वो ख़त्म हो जाएंगी, दूसरा मैदे के अंदर जो है वो एयर आ जाती है और जो बेकिंग पाउडर होता है वो अच्छी तरह सारे मैदे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा जी, अब जो है मैं दोबारा से इस जो मिक्सचर है इसको मैंने केक मिक्स पे लगा दिया, मिक्स में स्टैंड पे लगा दिया, और अब मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा फेंट लूँगी। और साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने इसको स्क्रैप करते जाना है। स्क्रैप इस तरह करना है कि आपने कोई भी स्पैचुला लिया है इसको किनारों से हटा दें, क्योंकि अगर ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो किनारों पे लगे रहेंगे और फिर जब आप इसको निकालेंगे तो उससे होगा क्या कि जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, क्योंकि बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वो सही इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो उससे क्या हो जाता है कि केक जो है वो सही नहीं बनता। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, ये टिप्स होती हैं जिनका आपने बेकिंग में बहुत ख्याल रखना होता है, और फिर आपका केक अच्छा भी बनता है, फ्लफी भी बनता है और बहुत मज़े का भी बनता है। अच्छा, अब ये था कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नीम गर्म दूध डाल दिया, तकरीबन 1/8 कप के बराबर या 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें नीम गर्म दूध शामिल कर दिया है, और अब मैं इसको दोबारा से फेंट लूँगी। बस बैटर शुड भी लाइक ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए। जो इंग्रेडिएंट्स जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको बताए हैं आपने उतनी क्वांटिटी में ही यूज़ करने हैं, अदरवाइज केक आपका अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब क्योंकि हम ये मार्बल केक बना रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो कोको पाउडर भी जाएगा, और कोको पाउडर ये है कि मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कोको पाउडर डाल दिया, और उतना ही 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें पानी, नीम गर्म पानी डालूंगी, ठीक है, या हॉट वाटर आप कह सकते हैं, वो डाल के तो मैं अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इसको जो है ना मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर कोई क्लॉट्स ना रहे, ये जो कोको पाउडर है ना ये मोटा मोटा ना रह जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब 1/4 जो मिक्सचर है जो कि हमने अभी केक का मिक्सचर बनाया है उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपने मार्बल केक नहीं बनाना तो इसी मिक्सचर को अभी आप जब नॉर्मल केक में पैन में डाल के इसको बेक करेंगे तो ये जो है ना पाउंड केक बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। पाउंड केक की रेसिपी में से थोड़ा सा निकाल के उसमें कोको पाउडर डाल दिया, और अब जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि इस केक को हमने असेंबल कैसे करना है। असेंबलिंग काउंट्स अ लॉट, आप और जिस पैन में बना रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये जो है 9 इंच का जो है वो लोफ पैन है, ये प्रेस्टीज का है, और ये आज से 7-8 साल पहले मैंने लिया है। आप देख सकते हैं अगर आप एक महंगी चीज़ ख़रीदते हैं, अच्छी चीज़ ख़रीदते हैं, वो सालों चलती हैं। इस पे इवन मैं छुरी से इसको साइडों से हटाऊंगी लेकिन इस पे कभी निशान नहीं बना, क्योंकि ये बहुत अच्छी ट्रिपल कोटिंग वाला है। तो अब नीचे से इसको मैंने ग्रीस किया और मैंने जो है ना पार्चमेंट पेपर नीचे लगा दिया। पार्चमेंट पेपर लगाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि केक बड़ी आसानी से निकल आएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा थोड़ा सा ना चम्मच भर के जो है वो जो वाइट जो बैटर बना हुआ है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और फिर मैं जो चॉकलेट वाला हमारा मिक्सचर बना हुआ है उसके 2-2, 4-4 चम्मच डाल दूंगी। इस तरह आपकी मर्ज़ी, जितना आपने छोटा टिन लेना है तो आप छोटे में भी बना सकते हैं। इसमें परफेक्ट केक बनता है, बिलीव मी, इतना अच्छा परफेक्ट केक बनेगा। इसमें फ्लफी भी होगा और बहुत मीन्स छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। बस आपने मिक्स करके डालना है, थोड़े से वो डाल दिया, थोड़ा सा ये डाल दिया, और फिर इसको जो है जब चारों तरफ आप देख लें कि सारे किनारे जो है ना वो अच्छी तरह भर गए, तो उसके ऊपर फिर आपने एक सिंपल सा एक काम करना है कि जो बची हुई जो चॉकलेट वाला मिक्सचर है ना उसको ऊपर इसके अच्छी तरह से आपने डाल दिया, और फिर क्या करना है कि इसको आपने टैप कर लेना। टैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब हम ये केक का मिक्सचर आपके सामने मैं डाल रही हूँ वो ना उसमें काफ़ी जगह जो है वो किनारे जो है वो बच जाते हैं और केक का जो मिक्सचर है वहाँ पहुँचता नहीं है। अब आप देखें ये मेरा जो है ना केक टेस्टिंग वाली जो है वो नीडल है, इससे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो आप इसको फोर्क से भी मिक्स कर सकते हैं, बट मेरे पास क्योंकि ये है तो मैं इससे करी, वरना अगर ये नहीं है तो आप इसको टूथपिक से भी कर सकते हैं। तो ये आप देख लें, इस तरह से मैंने कर दिया। अब मैं इसको जो है वो बेक करूँगी, और बेक करने के लिए इसको 180 डिग्री पे मैंने बेक करना है अराउंड 40 मिनट्स, ठीक है। तो 40 मिनट्स में बहुत अच्छा केक बन जाता है। अगर आपका ओवन बहुत अच्छा है तो ये 30 मिनट में ही बेक हो जाएगा। जैसे मेरा केक है, मेरा ओवन है, अगर नहीं है तो ये कम से कम जो है ना वो एक घंटा लगाता है। अच्छा जी, केक मेरा बेक हो गया था, इसको मैंने बाहर निकाल दिया था। निकाल लेने के बाद थोड़ा देर मैंने ठंडा होने के लिए रखा। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना ये छुरी जो है या ये जो स्पैचुला होता है इसको मैं आराम से किनारों पे कर दूंगी। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा डार्क लग रहा होगा बट इट इज़ नॉट अ डार्क कलर, क्योंकि हमने कोको पाउडर डार्क लिया था जस्ट टू गिव इट अ गुड कलर, तो इसलिए आपको इस तरह लग रहा है। लेकिन ये केक जो है ना इट्स परफेक्टली बेक नीचे, क्योंकि अगर केक जो है ना सही बेक नहीं हुआ था तो नीचे से जो है ना उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, वो नीचे से जल जा चुका होता है। तो ये आप देख सकते हैं केक जो है मैं टेस्टर से दोबारा चेक करके आपको दिखाती हूँ। अगर अंदर से लिक्विड नहीं निकला दैट मीन्स जो थोड़ा सा लिक्विडी पार्ट होता है दैट मीन्स केक इज़ परफेक्टली बेक। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ठंडा होने रखूँगी। ठंडा होने के बाद सिंपली मैंने जो है ना इसको जो है स्लाइसेस में काट लेना है, और जिस केक के जो है ना क्रम्स निकलते हैं दैट मीन्स इट्स परफेक्टली बेक। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मार्बल केक रेडी है। और बस मैंने क्या किया कि मैंने इसको जो है ना इस तरह से पहले लंबाई में काट लिया था, फिर मैंने इसके छोटे मीन्स बीच में दोबारा से एक जो है वो छुरी मार दी थी कि ये छोटे पीसेस बन जाएंगे, क्योंकि ये डब्बे में बड़े आराम से जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट माय डॉटर डिड। ट्राई इट, दिखाओ जरा कैसे लग रहा है। सो नाइस, टेस्ट करो कैसा है, कैसा है? हाँ जी, वो तो चले आप लोगों ने फन देख लिया कि हाउ शी रिएक्टेड, बट ये है कि ये अभी मैं चाय पी रही थी। ये 4 पीस मैंने नहीं खाने, मैंने सिर्फ एक खाना था क्योंकि मैं वाज वेटिंग फॉर माय हस्बैंड। और ये बहुत अच्छा केक बनेगा अगर आप लोग ट्राई करेंगे अपने बच्चों के लिए। इसको इवन ज़्यादा क्वांटिटी, डबल क्वांटिटी में बना के 2 केक्स एक टाइम पे बना के तो आप इसको बड़े आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। 2 हफ्ते तो बड़े आराम से चल जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते की नौबत ही नहीं आएगी। मेरे घर में तो इवन 1 घंटे की नौबत नहीं आई थी, ये 4 ही पीस बच गए थे उसके बाद एंड इट वॉज फिनिश। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बच्चों को ये केक बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर एनीवेज अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ खाड़ी। हाँ जी, तो मैं खाड़ी गई थी और खाड़ी में ये देखें ज़रा कितना खूबसूरत येलो कलर का चप्पल है। इवन मैंने येलो चप्पल ही पहने थे बट आई वाज टेलिंग माय डॉटर कि ये बहुत प्यारा लग रहा है, अगर मैंने ये ना लिए होते ना तो मैंने ये येलो ले लेना था। तो ये येलो में जो है ना ये 2 कलर हैं खाड़ी में, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप जाके ले सकते हैं। एक पिंक कलर है और एक येलो कलर है। वैसे मैंने खाड़ी के चप्पल कभी भी नहीं खरीदे, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, लेकिन ये चप्पल बहुत ही खूबसूरत थी। अगर आपके पास येलो मस्टर्ड सूट है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये खाड़ी की ज्वेलरी मैंने बहुत ली है। अभी भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले खाड़ी की रिंग्स शेयर की थी, तो खाड़ी की जो ज्वेलरी होती है ना वो बहुत खूबसूरत होती है। तो यहाँ पर ये बहुत यूनिक किस्म की इयररिंग्स आई हुई थी एंड ये कुंदन के थे एंड आई थिंक इट वाज 1200 रुपीज़ या इस तरह के थे। और ये अगर आप किसी और पेज से लेंगे तो ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगे अगर आप इस तरह के झुमके पहनते हैं। और कलर भी ना कुंदन पे पिंक कलर का था। इस तरह के कलर्स जो है ना अनयूजुअल होते, बहुत आसानी से आपको नहीं मिलते कुंदन की ज्वेलरी में। इसके अलावा ये था इसके झुमके बहुत खूबसूरत से एक थे जो कि मैं देख रही थी। मैं और मेरी बेटी भी बहुत आर वेरी, खैर उससे ज़्यादा मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत डिफरेंट टाइप की, उसकी और मेरे टेस्ट में बहुत फ़र्क है। वो डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी पहनती है, मैं डिफरेंट टाइप की पहनती हूँ। मैं सिर्फ उसको दिखा रही थी क्योंकि मैं इयररिंग्स पहनती नहीं हूँ ना, मुझे इयररिंग्स इतने अट्रैक्ट करते भी नहीं है, तो मैं उसको दिखा रही थी बट शी वॉज लाइक नहीं ये मेरे स्टाइल नहीं है, ये मैंने नहीं पहनना है। और ये वाले इयररिंग्स तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, सिंपल से थे। कभी कभी मैं पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहनती, बट ये कि मुझे इतने ज़्यादा, मुझे रिंग्स एंड ब्रेसलेट्स एंड एंकलेट्स वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कंपैरेटिवली कानों में, गले में कुछ पहना हुआ। पर एनीवेज यहाँ पर मैं जब खाड़ी के स्टिच स्प्रेड की तरफ आई तो ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ये स्लीवलेस थी एंड आई वाज थिंकिंग अगर इसके स्लीव्स होते ना तो ये मैंने ले लेनी थी, क्योंकि ये बहुत, एक तो लॉन्ग शर्ट थी, मुझे लॉन्ग शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, दूसरी इसमें ये था कि ये बड़े प्यारी कलरफुल थी, मुझे तो कलरफुल कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो खाड़ी की प्रेड जो है ना उसका मेरा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। लाइक मैं जब जॉब करती थी ना मैं प्रेड ही खरीदती थी एंड खाड़ी के तो इतने मेरे पास अभी भी कुर्ते पड़े हुए, और ये ट्राउज़र मुझे इतनी अट्रैक्ट करी थी। इट वाज आई थिंक 2200 रुपीज़ एंड ये एम्ब्रॉयडर्ड थी, बट यही है ना कि इसके साथ फिर आपको कपड़े ख़रीदने पड़ेंगे। तो ट्राउज़र तो खैर बहुत प्यारी थी। अच्छा जी, जो मैंने गिफ्ट लेना था उसके लिए मैं मुझे ये फिरोजी वाला जो ड्रेस है ना, ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, बट ये 2 पीस था एंड आई वाज थिंकिंग फॉर 3 पीस सूट। एंड इसकी प्राइस, क्योंकि आप लोग मुझे बोलते हैं आप अपनी चॉइस दिखा दिया करें, तो इसकी प्राइस थी अराउंड 3800-3900 रुपीज़। इसके बाद मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे ये वाला जो है ना, ऐसे बर्न्ड ऑरेंज भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी अराउंड इसी की रेट मीन्स इसी रेंज का था, 3800 या 3900। अगर आप लोग लेना चाहते हैं ये वाले कपड़े तो वेल एंड गुड, आप लोग ज़रूर जाइएगा, ज़रूर लीजिएगा। आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग विच इज़ डिसेंट, यू नो, डिसेंट कपड़े मुझे लेने थे, थोड़े से एज अकॉर्डिंगली लेने थे, और कहते ना एज अप्रोप्रिएट लेने थे, बहुत ज़्यादा फंकी नहीं लेने थे, बहुत ज़्यादा प्रिंट्स नहीं लेने थे। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर सम नाइस ड्रेस, और यहाँ पर खाड़ी पे ये था कि आपको कपड़े मिल जाते, वैरायटी बहुत है। अनस्टिच कपड़ों की फेवर में मैं इतनी ज़्यादा खाड़ी की नहीं होती, मुझे स्टिच कपड़े इसके अच्छे लगते हैं, इसका होम बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इधर अभी बस आई वॉज सर्चिंग एंड देन आई वॉज लाइक कि मुझे नहीं मिला, तो इस बेहतर कि मैं खाड़ी होम चली जाऊँ। अच्छा, ये खाड़ी होम पे एक नई चीज़ आई हुई है, ये क्या है ये आप लोगों ने देखा होगा, हॉट प्लेट मेरे पास भी है, बट ये शीशे पे है, और ये शीशे पे है, नीचे इसके प्रिंट था और उसके नीचे जो है कॉक लगी हुई थी, ताकि आपने कोई भी चीज़ इस पर रखनी हो तो आप इसके ऊपर रख सकें। इसकी आई थिंक इट वॉज अराउंड 1100 रुपीज़। और इसके अलावा ये था कि खाड़ी का ये वाला जो है, ये कैंडल्स जो है, ये 3500 रुपीज़ की आप लोगों को 2 कैंडल्स मिल जाएंगी। क्योंकि मुझे खाड़ी होम बहुत अट्रैक्ट करता है, इसलिए मुझे इसकी प्राइसेस याद है, क्योंकि मैं हर एक की प्राइस चेक करी थी। ये ट्रेस भी क्लेरिक की बहुत अच्छी थी, ये आई थिंक 3000 की रेंज में थी। सीरियसली हर चीज़ ऐसे फील होता है ना कि ट्रिपल से भी ऊपर की चली गई, क्योंकि अभी मैंने 2 साल पहले खाड़ी की बड़ी वुडन ट्रे 1700 की ली थी, जो कि अभी आपको कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये वाली इतनी छोटी सी वुडन ट्रे जो है ना, ये आई थिंक 2500 से ऊपर की थी। तो ये है कि खाड़ी की चीज़ें एथनिक लुक देती हैं, बड़ी खूबसूरत लुक देती हैं, बट क्वाइट एक्सपेंसिव होती हैं। इसके अलावा ये था कि मेरी बेटी मुझे दिखा रही थी, मम्मा देखिए कितने प्यारे कप्स हैं, और इसके ऊपर जो है ना अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं, एंड कप्स भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। अगर आप लोग इसकी मैंने कभी कप्स वगैरह नहीं लिए ना, ग्लास लिए, बाकी चीज़ें तकरीबन मैंने सारी खाड़ी होम की ली हैं। ग्लास जो है मुझे बड़े डेलिकेट लगते हैं, बड़े खूबसूरत ग्लास, 1200-1400 का एक ग्लास है, बट इट्स नॉट माई थिंग। अच्छा, इसके अलावा ये यहाँ पर एक जंगल थीम वाला जो है ना पूरा, ये जो कोस्टर्स एंड हॉट प्लेट्स थी, एंड इनकी प्राइस आई थिंक ये 800-900 या 1000 रुपये की थी। ये भी प्यारे थे, अगर आप लोगों को जंगल थीम रखना है, जैसे इनका रनर वगैरह कोई इस तरह की थीम का हो तो आप प्रॉपर पूरी खाड़ी में। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आप रनर लिया है उसके साथ की काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो अगर डाइनिंग टेबल ना, मुझे लगता है खाड़ी ही खूबसूरत बनाता है आपकी डाइनिंग टेबल को। तो ये खाड़ी का जो है ना, ये एक रनर था, लेकिन मेरा जो रनर है वो बहुत खूबसूरत था। खाड़ी पे यहाँ पर जो है ये परफ्यूम आई हुई है, ये वाहिद चीज़ मैंने देखी जो सस्ती थी। 2000 रुपये का बैग भी था और इसके साथ 4 परफ्यूम भी थे। परफ्यूम्स होंगे कोई 30-30 ml वाले, लेकिन अगर आपने लेने तो ज़रूर जाके लीजिए। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। You make me nervous.